ओके लेट्स कंटिन्यू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने बन होते हैं, तो अगर हम लोग डिफॉल्ट सेविंग करते हैं तो हमारे पास फिर भी एक रिमाइंडर रहता है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ डिफॉल्ट सेविंग, ये डिफॉल्ट सेविंग नहीं होता बिकॉज ऑफ हमारे पास वन रिमेनिंग होता है, हमारे पास वन रिमेनिंग होता है। नई बात प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सपेक्टिव सेविंग, यहाँ पर कोई डाउट है? तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया इक्वल सेविंग का, इसके अंदर कोई डाउट है सर? चलो फिर से बता चुका हूँ, एनी डाउट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसके अंदर? मैं ऑलरेडी लाउडली बोल रहा हूँ, अगर नेटवर्क इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर आप न्यू वर्क के जॉइन क्या हुआ? आप न्यू वर्क के जॉइन हो, मुझे बहुत ही स्लो आवाज आ रही है। एक काम करो बेटा, अपना जो माइक है ना, हाँ जरा पे एयरफोन लगा रखा है, तो एक बार रिमूव करके फिर से इंस्टॉल करो या फिर माइक को निकाल दो, अपना आपका जो एयरफोन या ईयरफोन का जो भी यूज कर रहे हो। तो मैंने बोलते हैं एक बार हम किसी का माइक ऑन नहीं है, आपके माइक से ही आवाज आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? My voice is slow. Please tell me everyone. Okay. Tell me one. Yes, sir. Can I ask you a question? Okay. मैंने यहाँ पर अपना माइक को इस बार ऑफ करके ऑन कर लिया है। आई थिंक अभी भी वॉइस स्लो आ रही है, दैट मीन्स नेटवर्क इश्यू है। नहीं सर, अब आ रही है। आ रही है ना? चलो थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज नंबर वन। एक्सरसाइज नंबर वन, पेज नंबर 112। नाउ एक्सरसाइज नंबर वन, पेज नंबर 112। Here are 8 balls. Put all the balls in four boxes equally. There are 8 balls. Put all the balls in the four boxes equally. How many balls are there in each box? Okay, so you can see here we have a total 8 balls. आप यहाँ पर counting कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have a total 8 balls, and we have to put in each box how many balls?
because we have a total 4 boxes, right? We have a 4 boxes and the ball is 8. So we have to insert the ball inside the box. We have to insert the 2 boxes. हमें यहाँ पर हर एक के अंदर 2 बॉक्स बॉल्स जो है वो हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे. हमें हर एक बॉक्स के अंदर 2 बॉक्सेस इंसर्ट करने पड़ेंगे. मतलब हमारा जो शेयरिंग है वो 2 ग्रुप्स का होगा. जो हमारा शेयरिंग है वो यहाँ पर 2 ग्रुप्स का होगा. ओके, तो आप घर पे एक्टिविटी भी कर सकते हो जो मैं आपको आईडियल के अंदर बताने जा रहा हूँ. आप क्या करोगे, 3 या 4 कप्स लोगे. 3 या 4, चलो काम करो, 3 कप्स लोगे आप. ओके, और आपको लेने हैं 9 मार्बल्स अदरवाइज बोल. अगर आपके पास मार्बल्स है तो मार्बल्स अदरवाइज बोल. 3 कप्स लेने हैं, 9 मार्बल्स लेने हैं और उसको इक्वली शेयर करना है. उसे इक्वली अंदर शेयरिंग करना है. तो जब भी आप शेयरिंग करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. ओके, वंस अगेन आई रिपीट दिस एक्टिविटी. यू हैव टू टेक द 3 कप्स, देन आफ्टर 9 मार्बल्स, अदरवाइज 9 बोल. अगर आपके घर पे कप नहीं है तो आप ग्लास का यूज कर सकते हो. ओके, तो इस तरह से आपको ये घर पे एक्टिविटी करनी है. तो चलो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, 8 बॉल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू द आंसर इज 2. हमारे पास टोटल जो है वो 8 बॉल्स हैं. एंड देन आफ्टर 4 यहाँ पर हमारे पास बॉक्सिस है एंड 2 हमारा पर ग्लास जो हमारे बोल्स है वो यहाँ पर हमारा आंसर है. सो द आंसर इज 2. देयर आर 2 बॉल्स इन ईच बॉक्स. There are 2 balls in each box. Write down your answer. चलो डन. चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 12 एग्स. देर आर 12 एग्स. पुट कैन इक्वल नंबर ऑफ एग्स इन द 3 नेस्ट. हाउ मेनी एग्स आर देर इन ईच नेस्ट. So there is a total 12 eggs. There is a total 12 eggs and there is a 3 nest. There is a 3 nest. So आप यहाँ पर कितने कितने eggs को put down करोगे. तो सबसे पहले हमें equal sharing करना है. तो हमें हर एक पार्ट के अंदर इक्वली हमारे एग्स को पुट डाउन करना है. सो देयर इज अ टोटल 12 एग्स. वी हैव अ टोटल
12 heads and we have to divide with the 3 because हमारे पास 1, 2 and 3 next है. तो यहाँ पर 12 divided by 3, 12 divided by 3. तो जो भी हमें quotient मिलेगा, जो भी हमें quotient मिलेगा, that means वो हमारा each next हमारे number of heads होंगे. तो 12 divided by 3. 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 4 जा 12. That means the answer is 4. अगर आप इन दोनों का multiplication करते हो, your answer will be the 12. That means you are going to write. So the answer is 4. So we have to put down the 4 4 hands in each nest. और हमारे पास कोई भी रिमाइंडर्स भी नहीं रहेंगे. हम यहाँ पर टोटली 4 एग्स को इसके अंदर पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास कोई भी रिमाइंडर्स नहीं रहेगा. देखो आप यहाँ पर 4 4 के ग्रुप्स बनाओ, कितने ग्रुप्स बनेंगे? 3 ग्रुप्स, मतलब वो हमारे इक्वल शेयर हो चुके हैं. यहाँ पर हमें कोई भी रिमाइंडर्स देखने को नहीं मिलता. Clear to everyone? चलो तो यहाँ पर आपका आंसर है 12 divided by 3 is equal to 4. There are 4 ants. There are 4 eggs in each nest. Write down your answer, everyone. चलो डन एवरीवन. दिस सबका हो चुका है टेक्स्ट बुक के अंदर. आपको बस यही आंसर्स लिखने हैं, सिर्फ ये जो आपके आंसर्स है वही लिखने हैं. ओके चलो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. पुट 10 शूज इक्वली इनटू द 5 बॉक्स. सो हाउ मेनी शूज आर देयर इन ईच बॉक्स? वी हैव अ टोटल 10 शूज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And we have a total 5 boxes. Okay? We have a 5 boxes. 1, 2, 3, 4, 5. We have a total 5 boxes. And हमारे पास यहाँ पर टोटल 10 शूज हैं, ओके? सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी शूज वी हैव टू इंसर्ट इन द बॉक्स. हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर कितने शूज को रखना पड़ेगा?
Okay? So, the question is that can total and divided by 5. Divided by 5. Because we have a total 5 boxes. That's why we have to divide with 5. टोटल नंबर को जो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं उस नंबर से डिवाइड करना है. तो 10 टोटल एंड 5 हमारे पास कितने बॉक्सेस है. 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2. अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा. 10 5 टू द 10. आगे हम लर्न करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे रिलेट करता है डिवीजन को. आगे हम लर्न करने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि 5 टू ज़ा होता है 10. ये आपको करना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था. ओके, सो द फाइनल आंसर इज देयर आर 2 in each box. Write down your answers. Write down your answers, everyone. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस. आप सभी की अटेंडेंस ले रहा हूं मैं. चलो लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस नाउ. चलो वन बाय वन में नाम अनाउंस कर रहा हूं. पुलस्य अधारा धर्म कुलस्य अधारा फिर आफ्टर धर्म फिर आफ्टर रूही दक्ष देत्रोजा आयु सॉरी दक्ष देसरिया आयु देत्रोजा आयु माधव सुंदरिया मनस्वी माधव मनस्वी द्विज नव्या मनस्वी माधव इज प्रेजेंट मनस्वी इज प्रेजेंट द्विज इज प्रेजेंट नव्या प्रियांश कावर किरण निर्मित देवेश मुंगिया त्रिषा पटालिया नक्स पटालिया आरव पटेल ध्रुव पटेल हस्ती पटेल ध्रुवा पटेल इज प्रेजेंट आरव पटेल इज प्रेजेंट हस्ती पटेल नित्या देन आफ्टर श्लोक Then after Kevin, Slok is present. Jignasa Senapati, Sakshi Sharma, Sakshi Sharma. Shraddha and Dhruva Kamcha. Shraddha and Dhruva Kamcha. जो अभी एब्सेंट है उसके नाम अनाउंस कर रहा हूं. प्लीज चेक किरण एब्सेंट निर्मित एब्सेंट
Devesh absent, Rita absent, Knox absent, Asti Patel absent, Nithya absent, Sakshi Sharma absent, and Shraddha absent. So anyone? चलो एनी वन रिमेन, कोई बाकी रह गया है जिसका नाम नहीं आया हो, ऐसा कोई है? चलो नाउ यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास.